हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं दिलीप कुमार बायोफ्लॉक विद एक्वापोनिक्स चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को टैंक का एरिया कैलकुलेशन कैसे किया जाए उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा अभी और दूंगा आपको। लेकिन अभी थोड़े से सवाल बहुत ज़्यादा आ रहे थे, अब लिख के जवाब देने का टाइम नहीं होता। मैंने कहा थोड़ा सवाल का जवाब भी दे दिया जाए आपको। तो इस मामले में पहला सवाल हमने लिया है, एक सोलर के विषय में सवाल आया है कि 24 वोल्ट बैटरी से 12 वोल्ट का पंप चला सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल नहीं चला सकते, पंप जल जाएगा आपका। वो जितने वोल्ट के लिए वो बना है उतने वोल्ट पर ही चलेगा, उससे एक या दो वोल्ट फालतू हो सकता है। जैसे सोलर जिस टाइम आता है तो वो 14-15 वोल्ट देता है, तो वहाँ तक तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन डायरेक्ट आप 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे तो फिर डबल वोल्टेज हो जाएगी और वो जल जाएगा। फिर उस टाइम सोलर की वोल्टेज तो 28 वोल्ट पहुँचती है दोपहर में, तो फिर तो वो घंटा दो घंटा भी चलना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी डीसी पंप के आरपीएम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर आरपीएम 3000 से बढ़ जाते हैं ज़्यादा तो फिर वो वैसे ही जल जाएगा गर्म होकर के। तो ऐसी गलती ना करें आप। दूसरा सवाल है, हाईब्रिड मांगूर 5 ग्राम की कितने दिनों में 500 ग्राम की हो जाएगी। तो दोस्तों, इसका यह है कि अगर ढंग से खाना पीना आप करते रहें तो 120 दिन में आधा किलो की ये हो जाएगी, ठीक है। अगर अच्छे प्रोटीन परसेंटेज का फीड आप दे रहे हैं और साफ़ सुथरा फीड है आपका, तो समझ लीजिए कि 4 महीने 4.5 महीने में आपकी आधा किलो की हो जाएगी, ठीक है। अब तीसरा सवाल है कि TDS डाउन कैसे करें। किसी TDS नहीं, pH के बारे में सर। pH को डाउन कैसे करें। तो दोस्तों, वैसे pH बढ़ने की समस्या तो कमी आती है अपने आप, लेकिन चलिए ठीक है, आपका हो सकता है पानी का ही pH ज़्यादा हो। तो उसका तरीका है, जो फूड ग्रेड एक एसिटिक एसिड आता है, ठीक है, वैसे वो फूड ग्रेड ही होता है, आइसक्रीम वगैरह में पड़ता है आपका, और उसको लोकल भाषा में टाटरी कहते हैं। किसी भी पंसारी की दुकान पर टाटरी नाम से मिल जाएगा आपको, ठीक है। एसिटिक एसिड नाम से शायद ना मिले, तो आप टाटरी को यूज़ कर सकते हैं। आप अलग से एक 20 लीटर पानी निकाल लीजिए, उसमें 5 ग्राम डाल के देखिए घोल करके कि कितना वो pH को डाउन करता है, ठीक है। उसके हिसाब से आप अपना टैंक का पानी का कैलकुलेशन कर दे। अगर 10 लीटर का पानी है तो उसमें उसी हिसाब से आप 50 ग्राम 100 ग्राम जितना भी लेता है वो आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास घर का नींबू है तो नींबू का रस निकाल के भी डाल सकते हैं, उससे भी डाउन हो जाएगा। एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, वो आपका बहुत कम मात्रा में भी पड़ेगा तो pH को बड़ा जल्दी डाउन करता है, ठीक है। आपने अगर 200 ml भी डाल दिया तो आपके pH को वो काफ़ी नीचे ले आएगा। बस यही 2-3 चीज़ें हैं जो आप pH डाउन करने के लिए यूज कर सकते हैं। वैसे बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं आप, और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज होगा तब जाके डाउन करेगा। अब चौथा सवाल है, 5000 लीटर के टैंक में हम 400 GSM टारपोलिन का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं। बड़ी खुशी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या 10000 लीटर 20000 लीटर में भी 400 GSM लोग लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं। पांचवा सवाल है, अजोला और डकवीड में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों, डकवीड का जो पत्ता होता है वो बिल्कुल पत्ते की तरह ही होता है, पतला, और अजोला का पत्ता काफ़ी मोटा होता है, वो लगेगा जैसे गुच्छों में है वो, माने पत्तियों का एक गुच्छा होता है और काफ़ी मोटा होता है वो। और दोनों ही आप अपने पालतू जानवरों को, पेट्स को खिला सकते हैं, जैसे मुर्गी जानवर आपका, गाय भैंस पाल रखे हैं आपने, मछली पाल रखी है, ये दोनों ही खिलाने में यूज होता है। आपको जो भी सुविधा लगे उसको आप उगा सकते हैं, और दोनों में प्रोटीन परसेंटेज भी लगभग बराबर होता है, ठीक है। छठवां सवाल है कि हम शुगर का प्रयोग करें या मोलासिस का। तो दोस्तों, शुरू में जब आप नया नया पानी बनाएं तो लगभग 20 दिन तक आप शुगर का ही प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। उससे आपके बैक्टीरिया की बढ़ोतरी तेज़ होगी और शुरू में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसमें कार्बन ऐसे फॉर्म में होता है जो आसानी से पच जाए, द बैक्टीरिया उसको आसानी से पचा लेते हैं। तो शुरू में आप 20 से 22 दिन तक शुगर का प्रयोग करें, उसके बाद आप मोलासिस का प्रयोग कर सकते हैं। इसी में थोड़ा सा जोड़ा हुआ इन्होंने सवाल कि मोलासिस में कार्बन परसेंटेज क्या है। तो दोस्तों, जो शुगर मिल का मोलासिस होता है उसमें 24% कार्बन होता है, ठीक है,
और उसमें भी केमिकल मिले होते हैं। जैसे सल्फर का प्रयोग होता है चीनी बनाने में, तो सल्फर का जितना भी होता है वेस्टेज वो सारा वो मोलासिस में ही होता है। तो वो आप देख लीजिएगा, वैसे को वैसे तो वो शुगर मिल वाला मोलासिस इसके लिए ठीक नहीं रहेगा आपके बायोफ्लोक के लिए, क्योंकि सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। फिर टैंक में धीरे धीरे सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और नुकसानदेह है। तो आप ये जो मोलासिस गुड़ से बनता है, गुड़ से बनने के पहले की स्थिति में उसको उतार लिया जाता है, तो वो चीज़ आप प्रयोग करें। जैसे किसी भी हम मार्केट में मिलता है, और वैसे भी गन्ने के सीज़न में अगर आप किसान से बात करें तो आपको बना के दे देंगे वो काफ़ी सस्ते रेट पर। सातवां सवाल है, डकवीड 1 kg सूखने के बाद कितना होता है? तो वो पत्ता होता है सूखने के बाद उसका चौथाई रह जाता है, यानी कि 250 ग्राम। 1 kg डकवीड सुखाने के बाद लगभग वो 250 ग्राम होगा। तो ठीक है दोस्त, अब आठवां सवाल है कि हम कौन सा फीड यूज करते हैं। तो दोस्तों, इस बारे में आपको बता दें कि हम अलग अलग कंपनियों का फीड यूज कर रहे हैं इस टाइम, और लगभग 6 कंपनी को हमने ट्राई कर लिया, और इसका जवाब हम आपको अभी 1 महीने बाद देंगे। अभी 2 दिन और कंपनियों का हमें ट्रायल करना है कि क्या फ़र्क पड़ रहा है हमारे टैंक के गंदगी में, टैंक के सलज में और फिश की ग्रोथ में। हम अलग अलग कंपनियों का, मतलब 6 कंपनियों का अभी तक ट्रायल कर चुके हैं। इसमें से कुछ कंपनियां ठीक लगी हमें, कुछ कंपनियों का फीड मतलब कैटफिश के लिए सही नहीं है, कुछ कंपनियों का कार्प के लिए सही नहीं है। तो अभी हमको इसका फाइनल रिजल्ट हम 1 महीने बाद देंगे। और 9वां सवाल है कि आपके एक टैंक में कितना पानी है और कितना पंगास आपने डाल रखा है? तो दोस्तों, हमारे पंगास के टैंक में 10,000 लीटर पानी है, और उसमें हमने 1,000 पंगास डाल रखी है, जिसमें से अभी तक कोई 15 या 20 पीस मर भी चुकी है शायद, शुरू से लेकर एंड तक। तो अभी उसमें 980 पीस के आसपास है, और 200-250 ग्राम का एवरेज साइज वेट है। 10वां सवाल है कि काफ़ी लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं कि आप अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर दीजिए। तो दोस्तों, इस बारे में यह है कि अभी मैं अपना कमर्शियल फार्म बनवा रहा हूँ, लगभग 1 हफ्ते से कंस्ट्रक्शन चल रही है, और जो भी जानकार बंदा होगा तो उसके बारे में जल्दी इसलिए नहीं बताएगा कि उसको भी पता है कि ये जब कंप्लीट होने में कम से कम 1.5 से 2 महीने लगेंगे। ये बायोफ्लोक फार्मिंग जो अलग आप किसी खेत में कर रहे हैं, तो वहाँ आपको हर चीज़ 0 से लेकर 100 तक इंजाम करना पड़ता है। तो पहले ऑफिस और गोदाम बन रहा है, उसके बाद उसकी बाउंड्री होगी, फिर टैंक बनेंगे, और टैंक के बीच में जो एरिया बच जाएगा उसके अनुसार हम उसमें खंभे खड़े करेंगे और सेट डालेंगे उसके ऊपर। ठीक है, इस तरीके से उसको सिस्टमेटिक ढंग से बनवाया जा रहा है कि आगे चल के परेशानी ना आए। फिर एरेशन वगैरह की फिटिंग, आपका पाइपलाइन की फिटिंग, तो इसमें काफ़ी समय लगेगा, और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तभी आपको वहाँ का एड्रेस और फ़ोन नंबर दिया जाएगा। फ़िलहाल जहाँ पर मैं चला रहा हूँ वहाँ पर मैं ज़्यादा आदमी को एंटरटेन नहीं कर सकता हूँ, लोकल लोग ही काफ़ी परेशान किए रहते हैं मुझे, तो उन्हें किस तरह से संभालते हैं, मतलब परेशान रहते हैं। तो अगर बाहर के लोग भी आना शुरू हो गए यहाँ तो दिक्कत होगी हमें। तो तकरीबन आपको 1.5 महीना वेट करना पड़ेगा इसके लिए। और वैसे बता दूँ आपको, हम यूपी और बिहार के बॉर्डर पर हैं, यानी यूपी का देवरिया ज़िला और बिहार का सिवान ज़िला, इन दोनों के बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर हमारा फार्म है प्रेजेंट में भी, और अगला फार्म भी हमारा वहीं लग रहा है। ठीक है, इस फार्म से लगभग 1 किलोमीटर दूर है वो, और काफ़ी बड़ा एरिया है, लगभग 3,000 स्क्वायर मीटर का। तो प्रेजेंट में हम बाउंड्री करा रहे हैं, ताकि आगे उसको और बढ़ाने का विचार है। तो वहाँ पर शायद कुछ पौंड भी बनेंगे आगे चल के, ताकि फ़िलहाल वहाँ 5 लाख लीटर का टैंक का सेटअप लगेगा। तो जब वो टैंक बन जाएंगे तो आप लोगों को एड्रेस और फ़ोन नंबर बता दिया जाएगा, और वहीं पर आप विजिट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं टैंक एरिया कैलकुलेशन के बारे में एक देता हूँ, बताता हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं टैंक के एरिया कैलकुलेशन कैसे किया जाए। इस बारे में काफ़ी सवाल हमारे पास आते थे, तो उन्हें सोचा एक वीडियो इस बारे में दे दिया जाए कि लोगों को बार बार सवाल करने की इस बारे में ज़रूरत ना पड़े। तो इसको देखने के बाद आपके पास जितनी भी जगह है अवेलेबल है, लंबा है, पतला है, राउंड है, जितने भी एरिया आपके पास अवेलेबल है उसमें आप टैंक बना सकते हैं।
ठीक है। तो ये आपको पहले राउंड टेन के बारे में समझा देते हैं कि इसका कैसे कैलकुलेशन किया जाए। देखिए राउंड की स्पेलिंग भी थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ऐसे राउंड टेन और वो स्क्वायर टेन। दोस्तों राउंड टेन आप देख रहे हैं ऐसे, तो अब सबसे पहले इसका डायामीटर नाप लीजिए। आपके पास उपलब्ध कितनी जगह है, ठीक है। आपके पास घर में मान लीजिए कि 10 फुट का एक एरिया निकल रहा है स्क्वायर में, ठीक है। तो आप उसको राउंड टैंक अगर आपको लगाना है तो सबसे पहले ये डायामीटर देखिए कि क्रॉस में हमें कितनी जगह मिल रही है, ठीक है। आमने सामने अगर मान लीजिए 10 फुट मिल रहा है आपको, ऐसे नापिए 10 फुट 10 फुट, ठीक है। तो उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर 10 फुट का टैंक बैठेगा या 12 फुट का बैठेगा, तो उस अनुसार आप बना सकते हैं अपना। तो डायमीटर आपने नाप लिया कि हमारे पास 10 फुट, हम इसको 10 फुट मान के ले रहे हैं, ठीक है। 10 फुट पर आपको एक कैलकुलेशन करके हम दिखाते हैं 10 फुट। तो इसका हम सेंटर लेते हैं, ठीक है। जैसे 10 फुट का सेंटर यहाँ 5 फुट पर आएगा, ठीक है। तो 5 फुट से जो सेंटर आएगा, सेंटर से कोई भी सर्किल का घेरा ये रेडियस कहा जाता है, ठीक है। सेंटर से ये आपका रेडियस हो गया, ठीक है। तो इसका आप एरिया कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये हो गया आपका सर्किल, ठीक है। सेंटर से आप जब उसको रस्सी के सहारे गोल बनाएंगे, जो भी सेंटर होगा वहाँ से वो किनारा जो होगा वो रेडियस होगा, ठीक है। तो इसका आप एरिया कैलकुलेट वाटर वॉल्यूम कैलकुलेट कैसे करें, तो आप सबसे पहले रेडियस देखेंगे। अब रेडियस आपका आया है 5 फुट, ठीक है 5। तो रेडियस का हम आपस में गुणा करेंगे, 5 × 5, ठीक है, इंटू 3.14, ठीक है। ये फार्मूला होता है 3.14 से इसको गुणा करेंगे, 5 × 5 × 3.14 इंटू 28, नहीं पहले हाइट लेंगे, ठीक है। अब इसकी हाइट आपने मान लीजिए 4 फुट रखी है, ठीक है। तो अगर आपने 4 फुट हाइट रखी है तो आप 3 साढ़े 3 फुट लगभग पानी रखेंगे उसमें, ठीक है। तो उसके बाद से 3.5 फीट हम पानी के लिए उसका गुणा करते हैं, ठीक है। और उसके बाद से हम 28.3, अभी 28.3 क्या है, तो दोस्तों एक क्यूबिक फीट में 28.3 लीटर पानी आता है, ठीक है। एक क्यूबिक फुट यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को अगर हम गुणा करेंगे तो पानी उसमें 28 लीटर के आसपास आता है। इसको 28.3 से हम गुणा किए, ठीक है। अब ये कितना आ गया, ठीक है, 5 × 3 × 3.5 × 3.5, ये आपका 7775 है ना, 75, ये आपका 7775 लीटर पानी इस टैंक में आएगा 10 फुट के सर्किल में, ठीक है। इस तरीके से आपके पास अगर 20 फुट ज़मीन अवेलेबल है तो 10 10 फुट के दो टैंक बना लीजिए। अगर आपके पास 12 फुट अवेलेबल है तो फिर तो 12.56 में एक 10,000 लीटर का टैंक बैठता है, उसका जो डायमीटर होता है, ठीक है। सर्किल निकालना है तो डायमीटर को आप मान लीजिए 10 फुट है आपका डायमीटर इंटू 3.14, ठीक, आपका सर्किल निकल आएगा यहाँ पर 10 × 3.14, ठीक है 31.4। ये जो आपका एरिया होगा टोटल 31.4 फुट होगा, ठीक है। राउंड का आपके उसमें क्लियर हो गया कि राउंड अगर हमारे पास जगह राउंड टैंक हमने बनाना है तो किस तरीके से एरिया कैलकुलेशन किया जाए, किस तरीके से पानी का वॉल्यूम निकाला जाए। 7775 लीटर आपका पानी इसमें 10 फुट के इसमें आएगा, 10 फुट डायमीटर में, ठीक है। इसका सर्किल 31.4 फुट होगा, ठीक। अब आते हैं हम स्क्वायर टैंक में, ठीक है।
स्क्वायर टैंक में हमें सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसमें कोई झंझट नहीं है, लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब लंबाई मान लीजिए आपके पास 10 फीट है, ठीक है, चौड़ाई आपके पास 6 फीट है, ठीक है, और ऊंचाई जो है यानी हाइट इजकल टू अपने 3.5 फीट पानी रखना है तो 4 फीट टैंक की हाइट रखेंगे, पानी की हाइट 3.5 फीट, इसी का हिसाब किताब हमें लगाया जाएगा, ठीक है। तो इनका आपस में आप गुणा कर दीजिए, 10 गुणे 6 गुणे 3.5, ठीक, और इंटू 28.3, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन। 28.3 आपने बता दिया पहले ही, हमने बता दिया ये एक क्यूबिक फुट में जितना पानी आता है वो है, तो इतना आपका क्यूबिक फुट हुआ, उसको आप 28.3 से गुणा करेंगे, आपका वो वाटर का वॉल्यूम निकल आएगा, इजकल टू देखिए द 10 इंटू 6 इंटू 3.5 इंटू 28.3 5943, ये आपका हो गया 5943 लीटर इसका टोटल वॉल्यूम बन रहा है। अब थोड़ा सा एक और टैंक का हम स्क्वायर का ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा टैंक बनाते हैं। अब ये जैसे 10 फुट है और ये 6 फुट, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लेते हैं 20 फुट, ठीक है, और ये हम ले लेते हैं चौड़ाई, हमें वही 6 फुट ही मिली, ठीक। तो यहाँ पर ये फिगर थोड़ा सा बदल जाएंगे, ठीक है, हाइट तो आप 3.5 फुट ही रखिएगा, हाइट में कोई चेंजेज नहीं होगी, सिर्फ इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो 20 गुणे 6 गुणे 3.5 और गुणे 28.3, ठीक है, तो 20 तो 6 इंटू 3.5 इंटू 28.3, ये आपका हो रहा है 11886 लीटर, ठीक है। तो देखा आपने कितना सिंपल कैलकुलेशन है, जिसके लिए आप लोग बार बार सवाल पूछते हैं, तो मैंने कहा आज एक वीडियो बना के आपको दे देते हैं। तो इस तरीके से आप राउंड हो स्क्वायर हो, जितनी भी आपके पास जगह अवेलेबल है, आप चौड़ाई 20-20 रख सकते हैं, 20-10 रख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो इसमें तो आपको सीमेंट टैंक में ही जाना पड़ेगा, और वैसे मैं तो सलाह यही दूंगा कि आप सीमेंट का ही टैंक बनवाया करें अगर अपनी ज़मीन है तो। हम भी वहाँ पर सीमेंट का टैंक ही बनवा रहे हैं, हम तारपोलिन का टैंक नहीं बनवाएंगे। तो सीमेंट का टैंक अगर बनवाते हैं तो आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं, जितना उपलब्ध जगह है उतना बड़ा बनवा लिया, ये पानी का वॉल्यूम निकालना है तो इसके हिसाब से निकाल लेना कभी भी, ठीक है दोस्तों। तो गुड बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में।